रांची के बुंडू एसडीएम, डीएसपी और सीओ ने बूढ़ा दी और विभिन्न बालू घाटों का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण करते हुए पदाधिकारियों ने राशि भूषण महतो को बालू स्टॉक की जांच की। इस दौरान पदाधिकारियों ने स्टॉक की जानकारी लेते हुए कागजातों की भी मांग की। एसडीएम ने बताया कि बरसात में नदियों से अवैध बालू उठाव प्रतिबंधित रहता है, इसी कारण मानसून पूर्व बालू स्टॉक की जाँच की जा रही है। साथ ही कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। एक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, हाईकोर्ट हम देखे थे, पोस्टल ऑर्डर आप नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा, आप पोस्टल ऑर्डर सब बनता नहीं है, नहीं बनता वो कैसे बनेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बरसात के समय मानसून आने के क्रम में एनजीटी का जो प्रतिबंध है वो लग जाता है, और इस क्रम में बुंडू से बहुत सारे बालू यहाँ से बाहर जाते रहे हैं, लेकिन एनजीटी में स्टॉक से ही बालू जाना होता है और उसी तरह से उसका चलान निर्गत होता है, उस पर बालू जाती है। तो हम लोग वही कुछ स्टॉक यार्ड है जो स्टॉकिस्ट का, उसका स्टॉक देखने आए थे कि कितना बालू उनके पास उपलब्ध है, और उनसे हम लोग विशेष इसकी जानकारी लेंगे। और हम लोग यही प्रशासन के तरफ से यही है कि हम लोग किसी भी अवैध माइनिंग को होने नहीं देंगे। और जैसा कि हम लोग